कालबैशाखी प्रभाव में बारिपदार प्रबल वर्षा सेपटे आसंता काली दक्षिण में वर्षा पई जारी होईछि ऑरेंज अलर्ट। मे 1 तारिख पर्यंत कालबैशाखी स्थिति लागी रहिबो बोली कहिछि पानीपाग विभाग। सेपटे विशेषज्ञ आकलन करिसेंति जे मे 1 बेलकू आउ एक ट्रफ लाइन राज्य को प्रवेश करुथिबा जणा जाउछि। फलरे वर्षार मात्रा वृद्धि पाई 5 तारिख जाय रहिबो। विभिन्न जिले में स्थाने स्थाने लागी रहिछि वर्षा। कालबैशाखी प्रभाव में अधिकांश स्थान में वर्षा लागी रहिछि। रायगड़ा कप्तिपदा चंदनपुर भल वर्षा होता बेले सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक ढेंकानाल जाजपुर कटक नयगढ़ खोर्धा कंधमाल गजपति गंजाम रायगड़ा और कोरापुट में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबो। एथिसह कोरापुट रायगड़ा गजपति मयूरभंज में कुआपथर वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होइछि। 28 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं जारी होइछि ऑरेंज अलर्ट। मे 1 तारिख पर्यंत कालबैशाखी वर्षा स्थिति लागी रहिबो बोली पानीपाग विभाग कहिछि। राज्य में विक्षिप्त वर्षा संग को झड़ पवन और कुआपथर वर्षा देखा मिल तेणु दिन तापमात्रा विशेष वृद्धि पाइब नहीं। अभी अगला 4-5 दिन ही थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश जारी रहेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट्स में एक कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ होने का चांसेस है। एक तो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी गस्टी सरफेस विंड तेज हवा हेलस्टॉर्म व कुआपथर भी गिर सकता है। एबे बंगोपसागर में थिबा गुरुचाप बल प्रभाव में राज्य को जलयबाष्प प्रवेश करुछि। ले पवन बेग अधिक न सारा राज्य में वर्षा न होई किछि किछि स्थान रे वर्षा होउछि जहाँ आउरी 4 दिन जाए लागी रहिबो। दक्षिण एवं उपकूल ओडिशार तापमात्रा 36 रु 37 डिग्री रहिले भी मध्याह्न रे आकाश मेघाच्छन्न रहिबो एवं वर्षा हेबो। हेले मे 1 बेलकु आउ एक ट्रफ लाइन राज्य को प्रवेश करुथबा जणा पडुछि। फल रे बंगोपसागर रो अधिक जलयबाष्प आसीबा सह पवन बेग अधिक रहिबो। तेणु वर्षार मात्रा वृद्धि पाई 5 तारिख जाए रही विशेषज्ञ। 1 तारिख गोटे ट्राफ लाइन आउछि से समय हो पारे विंड स्पीड बढ़ी जापे और जलय बाष्पर मात्रा अधिक रही समय अधिक जगार आपंकर कालबैशाखीर संभावना रोचे। एबे किंतु आपणकर टेम्परेचर भी रही 36-37 भितर रेयर केसेस 38 डिग्री पर्यंत जापे। कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में पागर परिवर्तन होछि। एप्रिल केतेबेले प्रचंड खरा तो केतेबेले जोरदार वर्षा होछि। भुवनेश्वर कैमरामैन मानस पटनायक निरूपमा बेहरा न्यूज 8 ओडिया। वंदे भारत एक्सप्रेस रो ट्रायल आसंता काली हेबो। वंदे भारत एक्सप्रेस रो ट्रायल रन हावड़ा एवं पुरी मध्य रे हेबो। ट्रायल रन हावड़ू सकाल 6:10 रे छाड़िबो वंदे भारत एक्सप्रेस। से भली पुरी रु दिन 1:50 रे छाड़ी हावड़ा रे 8:30 रे पहुंचीबो। वंदे भारत खड़गपुर भद्रक एवं जाजपुर में 2 मिनिट रहिबो। से भली कटक भुवनेश्वर एवं खोर्धार मध्य रहिबो 2 मिनिट। एप्रिल 26 रे वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई रु आसी कोलकाता रे पहुंचीथिला। वंदे भारत एक्सप्रेस एबे भारतर स्वाभिमान रो प्रतीक। हाई स्पीड एवं समानुवर्तिता पई वंदे भारत एक्सप्रेस परिचित। एबे घंटा प्रति प्राय 130 किलोमीटर बेगरे दौड़ुछि वंदे भारत एक्सप्रेस। आगकू घंटा प्रति 180 किलोमीटर बेगरे जेमिति चालिबो से नै व्यवस्था हेउछि। ट्रेन रे रहिछि अत्याधुनिक सुविधा माने विमान रो सुविधा भली सबु पाई परिबे यात्री। सबु किछि हाईटेक। ट्रेन रे 14टी एसी कार कोच रहिछि। या सहित 2टी एग्जीक्यूटिव कार कोच मध्ये रहिछि। ट्रेन रे 1128 यात्री यात्रा करि परिबे। देश रे विभिन्न शहर रु जोड़ी हेलानी वंदे भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ रे अटैक ओडिशा रे उपस्थिति। दांतेवाड़ा अरणपुर रे विस्फोरण परे छत्तीसगढ़ को लागिथिबा नवरंगपुर जिल्लार सीमावर्ती जंगल रे नक्सल को गतिविधि सामना को आसीछि। गरियाबंद शोभा जंगल रे पुलिस सहित नक्सल कर होईछि गुली विनिमय। कोनोसी पक्षर क्षति होई नथिबा बेले जंगल रु मिलिछि विपुल माओ सामग्री। एपटे नवरंगपुर सहित नुआपड़ा कोरापुट एवं मालकानगिरी एवं बरगढ़ जिल्लार सीमा रे कम्बिंग ऑपरेशन को जोरदार करा जाईछि। छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा रे नक्सल को भयंकर विस्फोरण परे अलर्ट मोड रे रहिछि ओडिशा। छत्तीसगढ़ सीमा को लागिथिबा 5टी जिलार सीमार बढ़ाई दिया जाइछि कम्बिंग ऑपरेशन। एभली एक समय रे नवरंगपुर जिला रायघर सीमा को लागिथिबा छत्तीसगढ़ गरियाबंध शोभा जंगल रे उपस्थिति जाहिर करिसेंति लाल बाहिनी। शोभा जंगल में माओवादी सह पुलिस गुली विनिमय होता बेले विपुल परिमाणर माल सामग्री जबत कर एसओजी जवान। यह घटना पर नवरंगपुर जिलार कुंदेई, चंदाहांडी, दंडसरा, सिंसारी और कोसागुमुड़ा अंचल में कम्बिंग ऑपरेशन को बढ़ाई दि जाएगी। छत्तीसगढ़ ओडिशा को संजोग कर मुख्य रास्तार जानवाहन कड़ाकड़ी जांच करा जाउछि। आमे सबु बेले हमरो रेगुलरली चेकिंग चली छी। आमे हमरो नक्सल सेल रो डीआईओसी रो हम रेगुलरली आमे ऑपरेशन प्लान करछु और पूरा सबु टाइम रे तांको अगेंस्ट रे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्शन होउछि और हमरो नाका चेकिंग और जते भी हमरो इंटेलिजेंस कलेक्शन जते भी होछि सेटा चली छी। हम पूरा हाई अलर्ट रे ही रहउछु। नवरंगपुर परी नुआपड़ा जिला को लगी छत्तीसगढ़ सीमांत में हाई अलर्ट जारी करी पुलिस। पूर्वतन पुलिस महानिर्देशक संजीव मारिक कहते दांतेवाड़ा में हिंसाकांड भिहाइवा पर नक्सलपंथी माने ओडिशा को पशि आसिबा आशंका अमूलक नुहे। तेणु आगामी किछि दिन ओडिशा पुलिस को पूरा अलर्ट रे रहिबाकु पड़िबो। छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाका रे कम्बिंग को जोरदार करिबाकु हेबो। ये हमारा नुआपड़ा भी छत्तीसगढ़ से सीमा शेयर करूँ, स्पेशली गरियाबंद और महासमुंद। हमें अलर्ट रह हमारा कूम्बिंग ऑपरेशन विथ सीआरपीएफ हमारा एसओजी जवान सहित लगातार कूम्बिंग ऑपरेशन भी से सीमांत एरिया रे हम जोरदार रे चल अच्छी कि सुकुमार सेपटे नॉर्थ वेस्ट रे रोची दंगा करनी। सुकुमार भी बहुत बड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ सुकमार बॉर्डर आम ओडार 10 किलोमीटर होती सुकमा देखना सर आईटी से जगह आप पशिजे से बिहड़ जंगल से तुलसी पर्वत तो सेटा गोटे बड़ क्षेत्र अच्छी जी से शरण नियंती आने काम भी बहुत सारे कर। छत्तीसगढ़ को लगी कोरापुट जिले में अलर्ट मोड में रही पुलिस। कोटपाड़ा बैपारीगुड़ा अंचल में पुलिस सर्च ऑपरेशन और जानवाहन जांच को कड़ाकड़ी करेपरी। छत्तीसगढ़ सीमा को लगी बरगढ़ जिलार गंधमार्दन, झांझी पहाड़ और गाईसिलाट जंगल में पुलिस अधिक सक्रिय होती। सीमावर्ती अंचल में जानवाहन गुड़ी को कड़ाकड़ी जांच सीआरपीएफ, एसओजी, डीबीएफ जवान मान नहीं 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था कर एसपी सूचना देते। बरगढ़ रंजन देवता, कोरापुट त्रिलोचन महाराणा, नुआपड़ विजय सहीस, नवरंगपुर महेश्वर बेहेरा और भुवनेश्वर दीपक सामल, न्यूज 18 ओडिया। दीर्घ 2 वर्ष बंद पड़ी बलांगीर जिलार जीवनरेखा लोयर सिक्तल सेच प्रकल्प कार्य शेष पर्यायर पहुंची। प्रकल्प में आसंता मौसुमीर वर्षा जल को डैम रे रखा लक्ष्य नहीं एवं दिन राति 24 घंटा काम चालू रही। प्रकल्प कामर तदारख करने ग्राउंड जीरो रे पहुंची उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग एवं से स्थिति देखि संतोष प्रकाश करिसेंती। आसंता जनवरी मासरू 40,000 हेक्टर चाष जमी को पानी मारिबो आ जिल्लार मरुड़ी अंचल शस्य श्यामला हेबो। शेष पर्यायर बलांगीर जिलार लाइफलाइन कहुआ लोयर सुक्तेल बृहत जलसेचन प्रकल्प कार्य प्रकल्पर स्पिलवे काम सरीथिबा बेले माटी बंध काम सरीबाकु बसलाणी। वर्षा जल को डैम भितर संचय करिबा पई डैम सज्जा निर्माण काम चली। एथर जून जुलाई मासरे वर्षा जल को डैम रे रखिबाकु लक्ष्य रखिथिबारु दिन राति चली काम। बलांगीर रे एप्रिल एवं मे मासरे प्रचंड खरा जोगु काम धीमे जाउथला हेले एबे रात्रि मध्य काम चालुथुबारु प्रकल्प निर्धारित समय मध्य सरीबो बोली समस्ते बेस आशावादी। सेबडे विस्थापितंकु क्षतिपूरण एवं थैथान आदि प्रदान करा जिबा परे बुडी अंचलर लोके एबे गाँ छाड़ी विस्थापित कॉलोनी एवं निज सुविधा मुताबक बस्ती रे रहिबा आरंभ कलेनी। गाँ भा किछि लोकंक आइनगत समस्या रहिछि तेणु सेमाने भिटामाटी छाड़ी नाहंती। खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबो बोली बुडी अंचल अग्रगामी संघ कहिछि। मैंने काम करूँ संध्या 7 रु स्टार्ट सकाल 7टा तक खरार रक्षा पाइबार लगे राति काम करूँ। आज्ञा मैंने भी कहले राति काम धाम कर ठंडा मौसम रहा भल लगा बोली। जेन दिन 5 टी अधीन के आसला प्रोजेक्ट पांड्यान सार जेन दिन आसले से दिन लोकंर भी समस्यार समाधान बहुत होती आ काम भी बहुत आगे बढ़ी जेनटा कि दीर्घ 20 वर्ष जेनटा नहीं 2 वर्ष अधिका काम होती केतेबेले उचित क्षतिपूरण तो आउ केतेबेले सरकार को विस्थापन नीति को नहीं अंचलवासी लोयर सुक्तेल प्रकल्प को विरोध करी आसुथिले। 2013 विस्थापन नीति आसीबा परे लोके क्षतिपूरण थैथान राशि और एक्स ग्रासिया राशि पाई प्रकल्प को समर्थन करिबा आरंभ कले। 2020 मसीहा परे एई प्रकल्प काम त्वरान्वित हेबा आरंभ कला। परवर्ती समय प्रकल्पटी 5टी अधीनकू जाइथिला। लोके सीधासलख सचिवंकू निज समस्या जणाई इहार समाधान बाहर करथिले। निकटरे उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग लोयर सुक्तेल प्रकल्पर ग्राउंड जीरो रे पहुंची स्थिति समीक्षा करिसंते। एथर जुलाई मासरू वर्षा जल को संरक्षण करा जाई प्राय 40 एकर हेक्टर चाष जमी को जलसेचित करा जिवो बोली से कहिसंते। लोयर सुक्तेल प्रकल्पर बाम पटे 13,000 हेक्टर जमी और डाहण पटे 27,000 हेक्टर जमी रे बुंदा जलसेचन माध्यम रे पानी जोगाई दिया जिवो। एने टेंडर सरीछि। आसंता जनवरी अर्थात रबी ऋतु रे लोके जलसेचनर सुविधा पाई परिबे बोली मुख्य निर्माण यंत्री कहिसंते। एटा एटा एक्चुअली मुख्यमंत्री ही आमको आदेश देइछंती जे एटा निहायती आपण को एही वर्ष कंप्लीट करिवार अछि तो वाटर इंपाउंड करी करी दिखांतु तो आमे समस्ते लागी करी एटा चेष्टा करूछु और आमु आशा मु जहा देखुछि मोर आशा जे एटा हेइ जइबो जून सुधा जते बेले ता भितरे जल को रखा जिवो ता संग संगे हमर दुईटा केनाल सिस्टम यूजीपीएल ले भूतल पाइप माध्यम रे लेफ्ट साइड रे हमको प्राय 13,000 हेक्टर एंड राइट साइड रे हमको 27,000 हेक्टर पे ऑलरेडी टेंडर सरी कार्य तार काम आरंभ होइछे। सेथिरे आमे प्राय 6,000 हेक्टर को पानी देवा पे लक्ष्य धार्य रखी कार्यक्रम चलीछे। एथि पई उच्च स्तरीय सचिव ठारू आरंभ करी जल संपद मंत्री समीक्षा सारिछंती। एबे अपेक्षा प्रथम जल को किभली भाबे उपयोग करी लोकंग पाखर जलसेचन सुविधा जोगै पारुछे। बलांगीरु चंद्रभानु मरणा न्यूज 18 ओडिया। आपनको गां आपनको खबरे समय को ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। दिनकु दिन बढ़ुछि कटक नियाली अंचलर छेना एवं दुग्धजात सामग्रीर चाहिदा। 10,000 रु अधिक चासी और व्यवसायी दैनिक टन टन छेना करूछंती उत्पादन। पारंपरिक पद्धति को छाड़ी अपनाइछंती आधुनिक पद्धति। नियाली छना को देखिबा स्वतंत्र रिपोर्ट। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। बालेश्वर जिला भोगराई थाना चंदनेश्वर यूनियन बैंक रु लुट घटना। समस्त लुटेरा पश्चिमबंग पश्चिम मेदिनीपुर पेशादार लुटेरा बोली कही पुलिस। या सहित तो सीसीटीवी फुटेज आधार में पुलिस अभियुक्त को चिन्हट कर भिन्न भिन्न टीम कर तदंत चलाई। घटनास्थल में आईजी हिमांशु लाल और एसपी सागरिका नाथ बैंक अधिकारी और स्थानीय पुलिस सहित आलोचना कर सीसीटीवी फुटेज जांच कर खूब शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्त कर आईजी कहते। गतकाली दिन द्विपहर 7 ରୁ 8 ଜଣ दुर्बृत्त बैंक कर्मचारी बंधुक देखाई पाखापाखि 50 ଲକ୍ଷ टंका एवं लकर में थिबा 10 କୋଟି टंका मूल्यर सुना गहना लुटि नेइथिले। दुर्बृत्त माने 3ଟି बाइक रे आसीबा सहित लुट करी बैंक भितर थिबा समस्त कर्मचारी एवं ग्राहकों बाहर ताला पकाई आराम रे फेरार हो जाइथिले। खबर पाई भोगराई पुलिस और जलेश्वर एसडीपीओ घटनास्थल में पहुंची ताला खोली समस्त को उद्धार करते। अपराधी माने फेरार होगा समय भिजुआल सीसीटीवी रे कैद होइछि। आमार इन्वेस्टिगेशन चालू है। आम स्पट में जाऊँ मुझे जाइए एसपी भी जाइए। एसपी सागरिका नाथ मैडम अच्छे से डिफरेंट टीम फॉर्म कर डिफरेंट टीम डिफरेंट काम करुचे। आम शीघ्र धरबू। वी विल एनश्योर दैट दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल्स आर कॉट वेरी सुन एंड वी विल आल्सो एनश्योर दैट दिस इंसिडेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। जसोर पश्चिम बंगर सीमांतवर्ती अंचल दीर्घ दिन धरिकी एभलिया बैंक लुट होउछि। आगुरी आपर कमरदार होती देहरदा बैंक रे आपर से पाखापाखि छोट छोट बैंक गुड़ाक बहुत जगह क्राइम होती। जो सब जेल अच्छी से सब जेल रे आप जो डकैत माने विभिन्न डकैती केस आरेस्ट होगी पश्चिम भितर बा बाहरी आसचंद बेल रे से हिस्ट्री बर्तमान पुलिस जाकि कलेक्ट करवा कथा। तेणु पुलिस बर्तमान काम है सेपटे आपंकर कंटेई पर्यंत एग्रा पर्यंत से अंचल ओडिशारू पश्चिम बंग को जिते गुड़ा जीवा रास्ता अच्छी तार सीसी कैमेरा कहार अच्छी जांच करने दरकार। मयूरभंज जिला बारिपदा टाउन थाना पुलिस को सफलता। एक अंतराज्य चोर गैंग को तकतपुर अंचल गिरफ कर सफल होती पुलिस। गिरफ 3 ଜଣ हेले तमिलनाडु भेलेर अंचल प्रकाश मूर्ति पी बालाजी और कुमार आप्पा राव उरफ मुनियाप्पन। पुलिस सेमानंकठारु 7ଟି लैपटॉप गोटे आईपैड 19ଟି मोबाइल 2ଟି स्मार्ट वाच और 2000 ଟଙ୍କା जबत कर। पुलिस सूचना अनुसार बारिपदा टाउन थाना पुलिस द्वारा बुधवार भोर समय विश्वस्त सूत्रु खबर पाइबा परे पाट्रोलिंग करी तकतपुर अंचलरू 2 ଜଣ को गिरफ करी टाउन थाना आनी पचरा उचरा करा। अधिक खबर पाई बारिपदार भुगुड़ाकटा अंचल भड़ारे रोथिबा घरे चढ़ाऊ होइथिला। सेठारु अन्य जण को गिरफ करा जायछि। पूर्वरू टाउन थाना अंचल में अनेक लैपटॉप और मोबाइल चोरी नहीं अभियोग होइथिला। एने पुलिस पक्षरू तदंत करी एमानंकु गिरफ करा जायछि। बाहर राज्यर आकायत करने आसी फर्दर इंटिगेसन से कौटी रोचान कौन कर पचारे जना पड़ा कि से गोटे भड़ा घर रोते बहुत लैपटॉप मोबाइल आन्य जिन चोरी करा आसी घर को रेट कर आमको 7ଟା लैपटॉप गोटे टैब आ 19ଟା मोबाइल रिकवरी मिलला। कटक सहर विभिन्न लस्सी सरबत दुकान रे सीएमसी स्वास्थ्य विभाग पक्षर चढ़ाऊ करा जायछि। सीएमसी स्वास्थ्य विभाग एक 5 ଜଣିଆ टीम चढ़ाऊ कर विभिन्न दुकान रे दही राबिड़ी बरफ रंग आदि को जांच करा जायछि। विशेषकर व्यवहार होउथिबा एसेंस रो मान मध्य जांच करा जायछि। ए सबु खाद्य उपयोगी अछि कि नाही से नै मध्य जांच करा जायथिला। तबे किछि दुकान रो दही रो मान ठीक नथिबा जगु ताकु नष्ट करिथिला सीएमसी रो स्वास्थ्य विभाग टीम। खरा दिन थिबारु लोकंकु सर्बत एवं लस्सीर चाहिदा अधिक रही है। तेणु यह दृष्टि रखी नियमित भाव में सीएमसी स्वास्थ्य विभाग टीम पक्षर चढ़ाऊ कर स्वास्थ्य अधिकारी कहते। तेबे नियम उल्लंघन करुवा व्यवसायी ठारू जरिमाना सहित दुकान सील करने सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी चेतावनी देने को कैटेगरी दही यूज करमती मेन्टेन कर फ्लेवर यूज करते मात्रा पकाउं एवं जो राबिड़ी आउ ये गुड़ाक से प्रॉपर वे स्टोरेज कर कि नहीं आ जो बरफटा से यूज करती जांच आम या भितर कलुणु से यही सब पॉइंट्स बहुत डेविएट करें कि मात्रा आज सेंसिटाइज भी करूँ एवं को जगह से केतिक मात्रा रे कौन यूज करेंगे से ऊपर भी आज इंस्ट्रक्शंस नोटिस आम देखें। बर्तमान जो 2टा बड़ बड़ सर्व दुकान बक्सी बाजार चढ़ऊ सर तार मेन हूँ दही। दहीटा पूरा फर्मेंट हो पूरा खटा तेणु से टोटाल खावा उपयोगी नुह से सीरा मिसाई मिठा कर दूसरी लोकर जानवर कौन स्कोप ना लोक 3 ଫୁଟ दूर बसिले सी तार जहाँ बढ़ईदे। सेकेंड हूँ से गोटे एसेन्स व्यवहार कर जोटा कि तार भागमापा को जाना ना से इंडस्ट्रियाल यूज पर लार्ज स्केल से यूज हुए ये एसेन्स भाविक जो यूज करोटा कि बड़ीपाई यहाँ कनसेट्रेटेड होगी पलाऊँ अधिका। दुग्धजात सामग्री बा छेना कथा कहले कटक जिला नियाली अंचलर कथा मनकू आसे। कारण एठिकार छेना सहित अन्यान्य दुग्धजात सामग्रीर रही स्वतंत्र परिचय। पाखापाखि 10,000 अधिक दुग्ध चाषी एवं व्यवसायी दैनिक टन टन छेना एवं पनीर उत्पादन करी कटक समेत उपकूल जिला को पठाई थांती। ताहा पुणी आधुनिक ज्ञान कौशल द्वारा नियाली छेना को नहीं देखंतु आमर ए विशेष रिपोर्ट। ए हेउछि अड़सपुर अंचलर उत्तराण गाँ गाँव में अछंती अनेक दुग्ध चाषी किंतु आमे पहुंचीथिलु शंकर बेहरा घरे। प्रतिदिन सकाळु शंकर और तांको भली अनेक व्यवसायी निज गाँ सह निकटवर्ती गाँव में घर को घर जाई दुग्ध संग्रह करिवा परे ताहाकु आनी दुग्धजात द्रव्य प्रस्तुत करथि। पारंपरिक पद्धति को छाड़ी ताहा पुणी आधुनिक शैली में प्रस्तुत करुछंती छेना पनीर खुआ और घी इत्यादि। एक बड़ मिल्क बॉयलर बा खुआ प्रस्तुतकारी मेसीन साहाय्य क्षीर को गरम कलापर क्षीर में छेना पानी दे सेथिरु छेना और पनीर प्रस्तुत करिथांती। खाली छेना नुहे पनीर भी प्रस्तुत करथांती। एमाने परे प्रस्तुत द्रव्य को गाड़ी रे नहीं पहुंची जाती कटक समेत विभिन्न बाजार रे। सबू जाक क्षीर मिसिले 5 रु 6 लिटर क्षीर भर सब छेना कटा जाओ। छेना आमर खुआ मिशिन अच्छी तरह क्षीर फुटीगला क्षीर काढ़ी देक्चुअली खुआ कराए क्षीरा मरी मरी खुआ हुए। आम प्रथम क्षीर फुटिले काढ़ी छेना पानी पकड़ छेनाटा प्रस्तुत करो से पनीर भी तादर मिल्क प्रोडक्शन एवं गो चाष उपर नियाली कंटापड़ा एवं आमर रहा अड़सपुर ये सब अंचल होची गोपालन उपर सबुठ अधिका दुग्ध उत्पादन हुए गो चाष भी अधिका। कटक जोटा ओडिशार प्राण केंद्र मिल्क प्रोडक्ट बा दुग्धजात द्रव्यर चाहिदा ये नियाली अंचल विशेषकर मेटे था। पीढ़ी पीढ़ी धरी यही व्यवसाय करि आछंती नियाली समेत आखपाख अंचलर अनेक दुग्धचाषी और व्यवसायी। यही कामरे घरर प्रत्येक सदस्य भी लागि थांती। निजर गायक जत्न नेबाठारु दाना देबा जाई सबु किछिरे घरर सदस्यंग थाई प्रमुख भूमिका। एठिकार दुग्धजात द्रव्यर मानक नहीं दर मध्य अन्य मानकठारु टिके अलग रही थाए। कौलिक वृत्ति होइथिबारु एथिरु परिवार मध्य चली थाए। तेबे एठी पूर्वपरी एबे भी उन्नत मानर दुग्धजात द्रव्य प्रस्तुत कराउछि बोली कहिसंती व्यवसायी। एटा नियाली छेनाटा होछि परफेक्ट छेना माने भेजाल किछि नाही गाय खीरे रे आमदनी कराय कि कराय चुल्ली रे जाली कि चुल्ली जाला काठ घसी सब मशीन हे गेला गैस हे गेला। घर रो 3-4 जन लोक मिसी के हम समस्त छेना काम करू केमती जिनस भल हो भल समस्ते भल कहे आम समस्ते लगिचु। पीढ़ी पर पीढ़ी ए अंचल दुग्धजात सामग्री प्रस्तुत प्रणाली सीना परिवर्तन होती किंतु मानरे कौन सी प्रकार सालिस करा जाए जो सर्वाधिक छेना उत्पादन होता नियाली अड़सपुर अंचल छेनार रही एक स्वतंत्र प्रसिद्धि। नियाली देवेंदु मिश्र न्यूज 18 ओडिया। प्राकृतिक विपर्जय एवं यार सफल परिचालना समस्तनक पई एक बड़ चैलेंज। विपर्जय विभिन्न प्रकार होइथिबा बेले अग्निकांड जनित क्षति को रोका जाई पारिले ता समृद्ध देश बा राष्ट्र गठन रे सहायक होई पारिबो। एप्रिल 14 रु 20 तारिख पर्यंत देशव्यापी जातीय अग्निकांड सुरक्षा सप्ताह पालन करा जाउछि। 79तम जातीय अग्निकांड सुरक्षा सप्ताह पालन अवसर में ओडिशा अग्निशम एवं विपत्ति निस्तार संस्था पक्षर स्वतंत्र कर्मशालार आयोजन करा जायछि। अग्निशम विभाग निर्देशक संतोष कुमार उपाध्याय अध्यक्षतार अनुष्ठित कर्मशाला मुख्य अतिथि भाव में मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना और सम्मानित अतिथि भाव में भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास जोग देइथिले। 1999 महाबात्या परे प्राकृतिक विपर्जय परिचालना क्षेत्र में ओडिशा उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि। भित्तिभूमिर विकास सहित लोकंक मध्यरे सचेतनता उपरे गुरुत्व दिया जायछि। अग्निकांड हेउ अथवा भूमिकंप एसबू घटना को किभली रोका जाई पारिबो से नै नियमित व्यवधान रे लोकंकु मॉकड्रिल जरिया सचेतन करा जाउछि। तथापि पुरी लक्ष्मी बाजार हेउ किंबा भुवनेश्वर अथवा कटक रे विभिन्न समय रे होइथिबा भाव अग्निकांड घटना अनेक किछि शिक्षा दे जाइछि। राज्य सरकार अग्निशम विभाग प्रति दृष्टि दे भित्तिभूमि विकास करने सहित भुवनेश्वर में अधिक 3टी दमकल केन्द्र खोलने अनुमति देते। अवसर में संबलपुर में दंगा समय दक्षता प्रदर्शन कर 5 जन आग्निकों संबर्धित किभली भावर हाई राइजिंग जो बिल्डिंग सब होची से फायर सेफ्टी किभली भावर मेंटेन करा जिवो। खाली सेतिक नुए विभिन्न हाउसेस जो कथा कहला जे सेल्फ ऑडिट केमिति करा जिवो। एई जो वर्कशॉप रहिची से गोटे आउटकम बाहरिबो। कोनोसी हजार्ड केबे डिजास्टर हुए नै जे पर्यंत आमे मन ताकू डिजास्टर न करबा। तेणु आम मन को ऊपर डिपेंड करछ जे डिजास्टर हबो कि नै। तो मु जदी गोटे फायर हबो मो तारटा खराब तार लगे थी मोर तो प्रथम रु भलरेबल होइक रहइबो। विभाग तरफ रु लोक मानक सिखाया पड़े जे निजे घर निजे केमि फायर ऑडिट करबा। तो आमे चाहूछु जते पब्लिक एवं फायर सर्विस डिपार्टमेंट रे गैप टा जते जते कमी जिवो लोक मान सेते बेले हमको सेमा त हमको फ्रेंड हिसाब रे ग्रहण करचंती। किंतु आमे भी चाहूछु जे प्रत्येक सिटीजन मत भी ऑन यूनिफॉर्म रे भी सेमान जने फायरमैन हिसाब रे जी जनसाधारण कर धन जीवन सुरक्षा करंतु आमे सेटा चाहूछु।